हेलो एवरीवन, मैं माला यादव स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। दोस्तों, आज हम बहुत ही लजीज, टेस्टी और यम्मी पाव भाजी बनाने जा रहे हैं, जिसको खा के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। हाँ दोस्तों, मेरे जो चैनल पर लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। प्लीज़ दोस्तों, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये फूल गोभी ले ली है जो 2 कप है, छोटी कटी हुई आलू है ये जो 2 कप है, गाजर है ये 1.5 कप है, मटर 1 कप, ये शिमला मिर्च है ये 1/4 कप है, 2 इंच के बराबर मैंने चुकंदर लिया है जो टेस्ट और जो कलर है हमारे पाव भाजी का बिल्कुल अलग कर देगी। ये टमाटर है 2 कप है, सबको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, इसको हम कूट कर डालेंगे। हरी मिर्चें हैं 8 से 9 है, छोटा काट लिया है इसको मैंने। ये 1 कप हरा धनिया है, इसको भी मैंने काट के ले लिया है। 2 कप के करीब में प्याज है, ये भी छोटा काट लिया है मैंने। दोस्तों, ये एकदम झटपट तैयार होने वाली पाव भाजी है जो बड़े और बच्चों को बहुत भाती है। ये मैंने फूल गोभी डाल लिया, कुकर ले लिया है, ये मैंने इसमें आलू ऐड कर लिया, गाजर ऐड कर लिया इसके अंदर, मटर, शिमला मिर्च, चुकंदर जो हमारे फ्लेवर और कलर दोनों को ही बहुत ही यमी बना देगी। चलिए इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, ये मैंने 1 गिलास डाला, ये 2 गिलास पानी, इसको बॉईल करेंगे दोस्तों, जिससे हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 3 गिलास, 3 से 3.5 गिलास के करीब में पानी इसमें मैंने ऐड किया है। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डलेगा दोस्तों। एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, कमेंट करके बताइए। ये नमक डाल के मैंने इसको मिला लिया अच्छे से। चलिए ढक्कन लगा के गैस ऑन कर दिया मैंने, इसमें सीटी दिलाएंगे। 1 सीटी आ गई है, ये 2 सीटी आ गई है, अब हमने गैस ऑफ कर दी है। 2000 years later जब ठंडा हो गया और हमने सीटी खोल ली, ढक्कन अलग कर लिया, अब इसको देख लेंगे चला के, गल गई हैं सब्जियां हमारी। चलिए इसको मैश कर लेते हैं, ये मैशर है, ये देखिए मैश हो गई आसानी से, आप कड़छी से भी मैश कर सकते हैं। ये आलू मैश करने वाला है, अच्छे से मैश कर देना है सब्जियों को बॉईल होने के। चलिए इसको हमने उतार के एक तरफ रख लिया, अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम बटर डालेंगे, 1/4 कप के करीब में बटर है ये। बटर में दोस्तों पाव भाजी बहुत बहुत टेस्टी बनती है और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बनाकर देखिए और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। ये बटर थोड़ा गर्म हो गया, अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल लिया है, पाव भाजी का अगला प्रोसेस ये शुरू हो गया। इसके अंदर प्याज ऐड कर लिया मैंने, लो मीडियम पे मेरा फ्लेम है, प्याज बहुत नहीं भूनना, हल्का सा भून लिया मैंने। ये लहसुन और अदरक दरदरा कूट लिया है मैंने, वो भी मिक्स करके चला लूंगी मैं इसको। अगर बच्चे आपके जिद करते हैं तो इस तरीके से पाव भाजी बना के दे सकते हैं। ये हरी मिर्चें हैं जो छोटी काट ली थी मैंने, आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा कर लीजिए। चला लेंगे इसको भी, हल्का हल्का सब कुछ भून रहा है, कभी फ्लेम मेरा लो पे कभी मीडियम पे, इस तरह से मैं लो मीडियम करती रह रही हूँ। अब ये मैंने जो टमाटर लिया था उसको मैंने पीस लिया है, ये देखिए पीसने से थोड़ा सा और अच्छा टेक्सचर आता है और भून भी जाएगा जल्दी, क्योंकि सब्जियाँ तो हमारी ऑलरेडी बॉयल हो चुकी हैं। ये मैंने हल्दी डाल लिया है इसके अंदर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी है, और 1.5 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है दोस्तों,
जो फ्लेवर भी अच्छा देती है और तीखा तीखी भी नहीं होती है। तीखे के लिए मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, इसको भी चला लिया मैंने प्रॉपर। देखिए कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी है, अभी तो कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सॉल्ट है दोस्तों, आपकी जितना श्रद्धा हो उस हिसाब से आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सॉल्ट ऐड किया है। चलिए इसको भी चला लिया मैंने, मिक्स कर लिया है। अभी लो पे फ्लेम है मेरा, ये देखिए ढक दिया मैंने, ढक के कुछ मिनट मैंने इसको पकाया है। अब इस पानी सूख गया है इसका, अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर कि और भी अच्छे से थोड़ा सा ये मसाले पक जाए मेरे। अभी लो मीडियम फ्लेम है मेरा, उसी बीच बीच में लो पे कभी मीडियम पे इस तरह से फ्लेम करते रहेंगे। मसाला भूनना होता तो लो पे कर देते हैं, अभी थोड़ा बीच में से लो मीडियम हो रहा है फ्लेम मेरा। इसको फिर से ढक देंगे थोड़ी देर के बाद, जस्ट ये हो गया। अब चलिए पाव भाजी मसाला इसमें ऐड करेंगे, ये हमें बिल्कुल अलग स्वाद देगी पाव भाजी में। मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला मिलाया है अपने फ्लेवर के हिसाब से, आपको जितना फ्लेवर अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी चला लिया मैंने, मिक्स कर लिया। ये सब्जियां मैंने जो मैंने एकदम मैश कर ली थी, ये देखिए सब्जियां लग रही है ना कितनी अच्छी, मैंने मसाले में सब्जियां सारी मिक्स करके चला रही हूँ उसको दोस्तों। ये देखिए प्रॉपर चलाना है इसको, इतनी भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैशर से भी कर देंगे एक बार कि कोई भी खड़ी खड़ी सब्जी ना हो, नहीं तो मुंह में आती है। इस तरह से प्रॉपर मैश कर दिया है, एक ही बार में हमने सारी सब्जियां ऐड कर ली। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें मिर्च डलेगी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च जो तीखी वाली है वो ऐड की है। अब ऊपर से चलाया मैंने दोस्तों, अगर इस तरह से बना के अगर आपको लगे कि पाव भाजी मसाला कम है तो आप बाद में भी थोड़ा पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने टोटल बड़े 3 चम्मच पाव भाजी मसाला इसके अंदर ऐड किया है। अब पानी डाल देंगे इसमें इसको पकाने के लिए, जितना आप तरी की वो रखना चाहते हैं टेक्सचर, जिस हिसाब से आप खाना चाहते हो उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। मैंने 1.5 बड़े गिलास पानी इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, हरा धनिया से एकदम डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है दोस्तों। अब इस टाइम मैंने लो मीडियम कर दिया है अपना फ्लेम, ढक दिया इसको मैंने, अब बिल्कुल लो पे कर दिया वापस और कुछ देर इसको इसी तरह से पकने देंगे। वाओ मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अब इसका जो अगला प्रोसेस करते हैं, ये नींबू का रस है खट्टा खट्टा इसमें वो देने के लिए, एकदम यम्मी इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। मिला देंगे इसके अंदर अच्छे से, ये देखिए। अगर आप ना इसको पसंद करते हैं ना स्किप कर सकते हैं, पर इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसको डाल के ना, हल्का सा खट्टा सा ना, जो पाव भाजी को एकदम अलग ही लुक देता है। ये मिक्स हो रहा है, लो मीडियम पे फ्लेम है मेरा। अब पाव भाजी का असली स्वाद हमारे बटर के साथ, ये देखिए मैंने कुछ बटर डाल के चला के उतार लिया। बहुत सारा बटर अभी नहीं ऐड किया है, थोड़ा डाला है मैंने, खाने के टाइम में भी ऐड होगा। चलिए मैंने गैस ऑन कर लिया है, नेक्स्ट प्रोसेस अपने पाव तोड़ लिए मैंने और इसको मैं अब सेकूंगी। और मैंने एक पैन रख लिया है इसके ऊपर और लो मीडियम मेरा गैस है। चलिए मैं पाव को काट रही हूँ बीच में से और इसको सेक लेंगे। ये देखिए पाव भाजी लगभग पूरे नॉर्थ में खाई जाती है, अब तो साउथ में भी खाई जाने लगी ये। चलिए इसमें मैं बटर लगा लेती हूँ थोड़ा सा। वाओ बटर के साथ तो पाव का मजा ही अलग है। चलिए इसको सेक लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया जिससे ना पाव और अच्छे लगते हैं खाने में। हमारा पैन गरम हो गया, बटर भी पिघल गया है। चलिए इसको उल्टा करके इस तरह से सेक लेते हैं दबा दबा के। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए प्रॉपर इस तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे हाँ ऐसे संभल कर हमें पलटना है। अब मैंने जो गैस है ना बिल्कुल स्लो पे कर दिया, वो मेरा पैन भी इधर पलट गया। चलिए मैंने इसको ठीक कर लिया, अब वो पाव तो रेडी हो गया मेरा। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं
ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना कितना यमी। और इसको ट्राई करके कमेंट जरूर कीजिए किस तरह से आपने बनाया। और इसी तरह की एकदम यूनिक वीडियो हटके वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।